हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ माय होम स्टाइल। तो आज मैं मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेके आई हूँ। 8-9 मंथ्स बैक मैंने क्लब फैक्ट्री से कुछ मेकअप के प्रोडक्ट्स मंगाए थे, तो उसमें से जो हुडा ब्यूटी के लिक्विड लिपस्टिक थी, ड्यूप लिपस्टिक थी, उनका मैंने रिव्यू और स्वाचेस कर दिया था। लिंक मैं सीसी में भी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और उस वीडियो की भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और सीसी में डाल दूंगी जिसकी मैं बात कर रही हूं। मैंने क्लब फैक्ट्री का हॉल बनाया था, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू भी कीजिए, तो मैं अब उन प्रोडक्ट्स का रिव्यू करूंगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और उसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे जरूर क्लिक करिए। उसी से मेरे आगे आने वाली वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे। मेरे वीडियोज वीक में 2 टाइम्स आते हैं, मंडे को सुबह 10:30 बजे आते हैं, थर्सडे को रात को 8 बजे आते हैं। उस टाइम पे आप जरूर देखें मेरे वीडियो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो फर्स्ट कॉम्बो मैंने मंगाए थे क्लब फैक्ट्री पे, आपको याद हो तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। तो कॉम्बो में मैंने प्रोडक्ट मंगाए थे, तो फर्स्ट जो कॉम्बो था वो ये था। हुडा ब्यूटी के 3 प्रोडक्ट्स आए थे एक कॉम्बो में। तो फर्स्ट प्रोडक्ट था ये हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर, सेकंड था ये प्राइमर हुडा ब्यूटी का, और थर्ड ये मैक का कॉम्पैक्ट था। हुडा ब्यूटी का ही कॉम्पैक्ट आना था लेकिन मैक का कॉम्पैक्ट आया है। तो मैं वन बाय वन आपको इनके बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं बात कर रही हूँ प्राइमर की। हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर मेकअप बेस, वाटर प्रूफ बोलते हैं इसको। तो वाटर प्रूफ क्या है, एक तो ये जो पूरा कॉम्बो था वो 208 रुपीज में मिला था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 208 रुपीज में हुडा ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट नहीं आता, और इनमें से कोई भी एक भी प्रोडक्ट नहीं आ सकता हुडा ब्यूटी का। तो ये सारे के सारे ड्यूप प्रोडक्ट है हुडा ब्यूटी के, और तो मैं इसकी बात कर रही हूँ। ये भी ड्यूप ही है, और मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये बोलते तो जेल है लेकिन इसमें क्या है, ग्लिसरीन ही ग्लिसरीन है। और जब आप अपने फेस पे लगाते हैं ना तो ये ड्राई नहीं होता। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, अपने फेस पे लगा के दिखाती हूँ। देखिए कुछ कैसा है ये प्राइमर, मतलब ऑयल ऑयल सा हो गया मेरा फिर फेस पे, और ये ड्राई ही नहीं होता है। तो कुछ इस तरह से ये वर्क किया है। देखिए ये प्राइमर सारा देखिए वाटर की तरह दिख रहा है मुझे प्राइमर। तो मेरे लिए ये बिल्कुल यूजलेस है। मैंने इसे 1 या 2 बार यूज किया, उसके बाद मैंने यूज नहीं किया, और शायद मैंने वीडियो में ही यूज करके दिखाया है ऐसे कि हाथ में भी मेरा क्या हाल हो रहा है, हैंड का भी मतलब लग ही नहीं रहा कि ये प्राइमर है। तो और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 208 रुपए में 200। और देखिए मुझे 10 मिनट से ऊपर हो गए हैं और ये अभी भी ड्राई नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए पूरा ऐसे स्टिकी स्टिकी हो गया पूरा मेरा फेस, बहुत ज्यादा स्टिकी स्टिकी हो गया है। और एक और बात, इसमें कोई भी मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं लिखी हुई थी, कुछ भी एक्सपायरी नहीं लिखी हुई थी, तो आप पता ही नहीं लगा सकते कि कब मैन्युफैक्चर हुआ है कब एक्सपायर हो जाएगा। तो मेरी तरफ से बिल्कुल नो है इस प्रोडक्ट के लिए, आप बिल्कुल भी मत लीजिए, बिल्कुल भी परचेज मत कीजिए इस प्रोडक्ट को। तो नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी वो है ये मैक का स्टूडियो फिक्स पाउडर प्लस फाउंडेशन। ये ठीक लगा है मुझे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये ड्यूप है मैक का, जो पैकेजिंग आती है इस तरह की पैकेजिंग नहीं आती है मैक के कंपेयर की, और इस तरह का फाउंडेशन शेड है ये। ओवरऑल ये प्रोडक्ट मुझे अच्छा लगा है, मैंने वीडियोस में इसे यूज किया हुआ है, कॉम्पैक्ट ने अच्छा काम किया है, और कुछ इस तरह से इसका ये दिखता है स्किन पे। तो मुझे ये ठीक लगा है प्रोडक्ट, और इस तरह का ये एप्लीकेटर आया है इसके साथ। तो ये मैक का कॉम्पैक्ट ठीक है, आप परचेज कर सकते हैं इसे। तो मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो इससे पहले मैं अपने फेस पे बीबी क्रीम लगा लेती हूँ, थोड़ी सी सीसी क्रीम लगा लेती हूँ। और ये आप परचेज करके देख सकते हैं, इसमें मैन्युफैक्चरिंग भी दी हुई है, इसमें एक्सपायरी भी दी हुई है। तो ये मुझे प्रोडक्ट ठीक लगा कि कम से कम इसमें पता तो लग रहा है कि ये कब मैन्युफैक्चर हुआ है और कभी एक्सपायर हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ट्राई करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसी कॉम्बो में ये हुडा ब्यूटी का मेकअप फिक्सर। ये भी मुझे पता नहीं है ये है क्या, मुझे ऐसा लगता है इसमें पानी भर दिया है, और बिल्कुल भी ना इसमें कोई फ्रेग्रेंस है ना
मतलब ना अच्छी इसमें स्मेल है ना बुरी स्मेल है, मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है पानी है तो ये भी बेकार ही रहा है। तो मैं आपको इसे अप्लाई करके दिखाती हूँ। देखिए मेरे फेस पे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने पानी की छींटे डाल दी। तो ये प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में भी मतलब इस में भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं है कि इसके ऊपर एक और पैकेजिंग थी, कार्डबोर्ड पैकेजिंग थी, वो मैंने निकाल दी है। तो उसके ऊपर भी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं आई थी। तो ये भी मेरी तरफ से नो है, इस प्रोडक्ट के लिए भी नो है। आप परचेज मत कीजिए इस प्रोडक्ट को। मतलब ये हुडा ब्यूटी का अगर ये कॉम्बो कहीं पे आपको दिखता है, क्लब फैक्ट्री, फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो आप इसे परचेज मत कीजिए। बेकार है, यूजलेस है, किसी काम का नहीं है। एक तो ड्यू पे पता नहीं किस तरह से आपकी स्किन पे असर करेंगे। देखिए 5 मिनट बाद तक भी जो मैंने स्प्रे किया था मेकअप फिक्सर का, वो अभी तक ड्राई नहीं हुआ है, पता नहीं क्या था। तो नेक्स्ट जो कॉम्बो की मैं बात कर रही हूँ, वो मैंने मंगाया था मैक का कॉम्बो, और वो पूरा का पूरा कॉम्बो 219 रुपीज का था। वो ये भी आप समझ सकते हैं मैक के कितने महंगे प्रोडक्ट्स आते हैं। तो 219 में आपको चार चीजें मिलेंगी, चार चीजें हो ही नहीं सकता कि ये आपको मिल जाए। तो ये भी डुप है, डुप्लीकेट है मैक का। तो इसमें आई मेकअप से रिलेटेड चीजें आई थी। तो पहला तो ये आया था मैक का काजल, और सेकेंड ये आया था आईलाइनर मैक का, और ये आईब्रो पेंसिल आई थी मैक की, और ये मस्कारा आया था। तो इसमें सारे ही प्रोडक्ट ठीक निकले हैं, ज्यादा अच्छे नहीं है, मतलब ठीक है, काम चलाऊ है, काम चला सकते हो आप। तो पहले मैं बात कर रही हूँ आईलाइनर की बात कर रही हूँ। तो आईलाइनर मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले तो इसका एप्लीकेटर ही देख लीजिए, कितना खूबसूरत है। मतलब इसका जो एप्लीकेटर है ना, ब्रश वाला नहीं है, बहुत टाइट है, बहुत ज्यादा टाइट है, बहुत ज्यादा मतलब स्मूथ नहीं है काम करने में। तो ये कुछ लेकिन हाँ आईलाइनर अच्छा है और अच्छे से ड्राई हो जाता है, लेकिन वाटर प्रूफ नहीं है ऑब्वियस है। 290 रुपीज में कौन एक्सपेक्ट कर सकता है कि वाटर प्रूफ चीज मिल जाएगी आपको। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। प्रोडक्ट ठीक है, सिर्फ एप्लीकेटर में थोड़ी परेशानी थी मुझे, बाकी यूज करने में ठीक है। मैंने अपनी वीडियोज में आपको दिखाया भी है। देखिए एक तो ड्राई, ये ना जैसे फैन वगैरह चल रहा हो, एसी चल रहा हो, तो उसमें ड्राई हो जाता है। तो देखिए मतलब ओके ओके प्रोडक्ट है ये, जो ये लाइनर है मैक का ड्यूप, ओके है। आप परचेज करके देख सकते हैं, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ काजल, काजल भी अच्छा है। काजल तो जैसे नॉर्मल सब काजल होते हैं उसी तरह का है, काजल में कोई कमी नहीं है। थोड़ा पिगमेंटेशन काजल का कम है। काजल का पिगमेंटेशन बहुत लाइट है, इतना ज्यादा डार्क नहीं है। मैं आपको हाथ हैंड पे स्वेच करके दिखाती हूँ। तो देखिए बहुत ही लाइट कलर का इसका पिगमेंटेशन है, ज्यादा पिगमेंटेड नहीं है काजल, बट ठीक है, काम चला हुआ है, काम चला सकते हैं आप इससे। नेक्स्ट जो है ये आईब्रो पेंसिल। पहली बात तो जो आईब्रो पेंसिल होनी चाहिए ना, वो ब्लैक कलर की मार्केट में आनी ही नहीं चाहिए। मैट ब्लैक कलर इतना ज्यादा पिगमेंटेड ब्लैक कलर है कि आप ऐसा लगता है जैसे आपने कोई भी ना टैटू ला के चिपका दिया है अपने आईब्रो पे, लगता ही नहीं कि आपने आईब्रो पेंसिल से फिल किया है। जो पहले टाइम में आते थे ना, जब हमारी मम्मियाँ मेकअप अपना मेकअप निकालती थी, तब दिखती थी इस तरह की पेंसिल, कुछ इस तरह की पेंसिल आती थी। तो ये उसी तरह का दिख रहा है।
वो तो मेरी आईब्रोज थोड़ी डार्क है, इसलिए मेरी आईब्रोज में इतना पता नहीं लग रहा है कि ये इतना डार्क कलर है, लेकिन जिसकी आईब्रोज लाइट है ना उसको तो बहुत परेशानी होने वाली है इस वाले आईब्रो पेंसिल से। तो देखिए ये भी ओके ओके प्रोडक्ट है, अगर मेरी तरफ से तो ना ही है कि इस तरह की आईब्रोज पेंसिल परचेज नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये मैक का मस्कारा, ड्यूप मस्कारा है। ये काफी मुझे अच्छा लगा, इन चारों प्रोडक्ट्स में से जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो ये है मस्कारा। इस बहुत अच्छे से काम करता है और अच्छे से लैशेस पे पता लगता है कि हाँ आपने मस्कारा लगाया है, अच्छे से कर्ल कर देता है लैश को। थोड़ा सा ड्राई हो जाता है प्रोडक्ट बट काम अच्छे से किया है। देखिए मतलब पता लग रहा है कि मैंने मस्कारा लगाया हुआ है, दिख रहा है? तो इन चारों चीजों में से जो सबसे बेस्ट है वो है ये मस्कारा, देन ये आईलाइनर, और देन ये काजल, और सबसे बेकार जो चीज है वो है ये आईब्रो पेंसिल। तो अगर आप चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं, मेरी तरफ से ओके ओके है, ज्यादा बेस्ट नहीं है तो आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये था इन प्रोडक्ट्स का रिव्यू, मैंने आपको ऑनेस्टली रिव्यू करके दिखा दिया है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है कौन सा बेकार है। और हुडा ब्यूटी का वो जो मैंने कॉम्बो भी दिखाया आपको, वो परचेज ना करें तो बेटर है। और इसके साथ ही उस वीडियो में हुडा ब्यूटी की लिक्विड लिपस्टिक के बारे में भी मैंने बताया था, तो उसका मैंने स्वच्छ प्लस रिव्यू एक वीडियो में बता रखा है, उसकी मैं सीसी डाल दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसके लिंक डाल दूंगी, वहां से आप जाके देख सकते हैं कि उसका रिव्यू क्या है और स्वच्छ में कौन से कलर अच्छे लग रहे हैं। 12 का पूरा पैक आया था हुडा ब्यूटी का ड्यूप लिपस्टिक का, तो वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो ये था आज का मेरा पूरा वीडियो, होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए फनी वीडियोस।